गाइस फिलहाल अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शबनम है, कितना आपको वाइट वाइट पूरा दिख रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिलहाल मैं अभी आया हूँ आज इस होहेम गिम्बल आई स्टडी एक्स का रिव्यू करने। इसकी स्टेबलाइजेशन कैसा है वैसा आपको मैं करके दिखाऊंगा, फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से, और चलकर, तेज़ चलकर और दौड़कर हर हालत में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका स्टेबलाइजेशन है, ताकि आपको भी पता चल सके। फिर विद गिम्बल और विदाउट गिम्बल भी आपको दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि वीडियो को अभी से लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से बटन कौन सा फंक्शंस करते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। तो हाय गाइस, माय नेम इज शाही एंड यू वॉचिंग टेक शाही। तो ये हमारा वो ट्राइपॉड, सबसे पहले इसके माउंट को हम खोल कर इसको यहाँ रखते हैं और फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा गिम्बल। तो इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो स्विच ऑन का बटन है यहाँ पर फर्स्ट वाला, इसको आप टैप करना है और होल्ड करके रखना है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया और यहाँ पर कुछ लाइट ब्लिंक होने लगी, ये ग्रीन लाइट जलेगी, इसका मतलब आपका गिम्बल सही से है और पूरा इसका मोटर ऑन है और ये अच्छी तरह काम करेगा। तो मैं सिंपली आपको कुछ बटन्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो ये वाला बटन है, ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए, आप इसको होल्ड करके रखें तो स्विच ऑन होगा, होल्ड करके रखें तो स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर अगर आप इसको एक बार टैप करें तो ये लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड में चला जाएगा, मतलब ये फ़ोन इस तरह है तो ये सीधा हो जाएगा फ़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बार टैप किया, ये ऐसा चला गया, फिर दोबारा टैप किया, ये दोबारा लैंडस्केप मोड में आ गया। और अगर आप इसको दो बार टैप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मोटर को यहाँ कर दूँ, तो अगर आप इसको दो बार टैप करें तो ये अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मोटर को कहीं और कर देता हूँ, दो बार टैप किया, ये अपनी रियल पोजीशन पे आ गया। तो इसको दो बार टैप करने से रियल पोजीशन पे आ जाता है। फिर यहाँ पर मैं फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ, ये फ़ोन ऑन करने के बाद अब आपको ये जो बटन दिख रहा है लेफ़्ट वाला, ये फ़ोटो कैप्चर के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसको दो बार दबाने से ये रिकॉर्डिंग मोड में चले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दो बार टैप किया, ये आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग मोड में आ गया। फिर मैं इसको सिंपली दो बार टैप करूँ तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में सिंपली आ जाता है। अगर मैं इसको सिंपली बगैर डबल टैप किए एक बार टैप करूँ तो ये फ़ोटो कैप्चर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने एक बार टैप किया, मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ, मैंने अगर एक बार टैप किया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोटो कैप्चर करा। और अगर मैंने इसको डबल टैप किया तो यहाँ पर तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में चले जाएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में आ गया लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो अगर आप इसको दोबारा एक बार टैप करें तो यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार टैप किया यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने लगी, और अगर दोबारा टैप किया तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ये ऑफ़ हो गई। तो ये इन दोनों बटन का फंक्शन है। ऊपर आपको जो लाइट्स मिल रही है यहाँ पर, ये तीन जो लेफ्ट में राइट है, ये आपको बैटरी का ऑप्शन दिखाती है। बैटरी अगर फुल है तो तीनों लाइट जलेगी, अगर उससे कम है, 2% है, दो बॉक्स है तो दो ही लाइट जलेगी, और कम है तो एक लाइट जलेगी। उसके बाद आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है अगर तो ये कनेक्ट है, ग्रीन नहीं दिख रहा है तो रेड रेड आ रहा है, मतलब ये अच्छी तरह कनेक्ट नहीं है, आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो राउंड वाली बटन दिख रही है इसको बोलते हैं जॉयस्टिक, तो इससे आप गिम्बल को यहाँ वहाँ कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नीचे करूँ तो ये नीचे होगा, ऊपर करूँ तो ऊपर होगा, और अगर इसको बीच में ला के राइट करूँ तो इससे ये राइट जाएगा, और अगर इसको लेफ़्ट करूँ तो ये लेफ़्ट जाएगा। तो इससे आप ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट इससे कर सकते हैं। बाजू में आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको जूम इन और जूम आउट करने के लिए, अगर ऊपर करें तो जूम इन होगा, आपका वीडियो जूम होगा, और अगर नीचे करें तो जूम आउट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बटन को दबाऊँगा और आपको वीडियो अगर दिखे तो वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर वीडियो मोड में है, ये ऑन हो गया, इसको ऑफ करता हूँ, दोबारा इसको ऑन करते हैं वीडियो मोड में, और ये बटन जो यहाँ पर है मैं इसको जूम ऊपर कर रहा हूँ, जूम इन होगा, आप देख सकते हैं जूम इन हो रहा है बहुत स्मूथ, और इसको नीचे करो तो दोबारा ये जूम आउट होगा। तो ये सारे बटन के फंक्शंस, मैं इसको दोबारा डबल टैप करके इसको रियल पोजिशन में लाता हूँ, ये रियल पोजिशन में आ गया। और अब हम अपना मेन स्टेबलाइजेशन का टेस्ट शुरू करते हैं।
तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है और इसकी वीडियो कैसे आती है। तो फिलहाल अभी सुबह बहुत है और ये पीछे आपको शबनम पूरा देखने के लिए मिले, तो उसको आप माइंड ना करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेबलाइजेशन वीडियोस दिखाता हूँ। और यहाँ पर अभी गिम्बल में थोड़ा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर ये फ्रेम ठीक कर लेता हूँ। आपको ऑडियो शायद थोड़ा डिम देखने के लिए मिले क्योंकि मैं फ़ोन के ही माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप उसको भी एडजस्ट कर ले। मैं आपको अभी स्टेबलाइजेशन दिखाता हूँ। ये फ्रंट कैमरा है और मैंने अभी गिम्बल का जो ट्राइपॉड माउंट है उसको नहीं पकड़ा है। अभी उसको पकड़ूँ तो आपको और अच्छा देखने के लिए मिलेगा और फ्रेम थोड़ा ज़्यादा वाइड देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा आपको फ्रेम देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप हम स्टेप बाय स्टेप अभी ये पूरा फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आपको फ्रंट कैमरे का भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह दिख सके, उसका स्टेबलाइजेशन समझ में आ सके, उसके बाद हम बैक कैमरे की तरफ स्विच करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये फ्रंट कैमरा है और पीछे मैं भी सेंटर में आ जाता हूँ और आपको अभी दिख रहा होगा कि ये किस तरह का वीडियो आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दोबारा ये कर लेता हूँ। अभी हम चल कर टेस्ट करेंगे। तो ये मैं चल रहा हूँ और ये वीडियो आपको दिख रहा होगा कैसा है ये वीडियो। अगर मैं अपना हाथ आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं वीडियो कैसे आ रहा है। मैं चल रहा हूँ और वीडियो इस तरह का आ रहा है। स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है मैं कहूँगा, आप खुद ही देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन कितनी अच्छी आ रही है और अच्छा वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये चल कर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब हम थोड़ा स्पीड करेंगे, इसको मैं दोबारा यहाँ मुड़ता हूँ और चलने के बजाय मैं थोड़ा स्पीड चलूँगा और देखेंगे इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। तो ये मैं यहाँ थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। आई एम सॉरी अगर मैं डायरेक्ट आपको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरे स्विच करते वक्त हमारी आँख सीधा हमारे फेस पर जाती है बहुत, अगर आपको हैबिट ना हो तो। मैं यहाँ फ्रंट कैमरे में देख रहा हूँ, अभी मैं खुद को देख रहा हूँ। तो यहाँ चल कर स्पीड भी आपको स्टेबलाइजेशन ऐसी मिलती है। अब हम दौड़कर वीडियो बनाएंगे, फ्रंट कैमरे से दौड़कर वीडियो बनाएंगे, उसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये किया और अब हम दौड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 ये मैं दौड़ रहा हूँ और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपको किस तरह की ऑडियो मिल रही है। अब हम बहुत तेज़ दौड़ेंगे, देखूंगा मैं एकदम तेज़ दौड़ के कि इसकी वीडियो कैसी है, स्टेबलाइजेशन कैसा है। वैसे मेरे ख्याल से अभी तक तो इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ये और अब हम दौड़ेंगे। ये मैं बहुत स्पीड दौड़ के बना रहा था और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मुझको अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, ताकि आपको पता चल सके। अभी मैं दौड़कर बनाया, चलकर बनाया, स्पीड दौड़कर, स्पीड चलकर बनाया। अब हम बैक कैमरे की तरफ स्विच करेंगे और उसके क्या क्या कैसे स्टेबलाइजेशन है वो देखेंगे और उसके बाद हम जो हमारे फ़ोन का स्टेबलाइजेशन है वो देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, फ्रंट कैमरे का हमने गिम्बल के साथ रिकॉर्ड कर लिया, अब फ्रंट कैमरे को विथआउट गिम्बल रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं उसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो यह मैं बंद करता हूँ, फिर हम फ्रंट कैमरा विथआउट गिम्बल ओपन करेंगे। तो ये फ्रंट कैमरा विथआउट गिम्बल ओपन है। आपको शायद ऑडियो कभी कम सुनाई दे क्योंकि मेरा हाथ वहाँ पर फ़ोन के पास गया हुआ है, यहाँ पर फ़ोन के पास मेरा हाथ है, शायद आपको ऑडियो थोड़ा कम सुनाई दे लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आ सकेगी। तो यहाँ फ्रंट कैमरे की वीडियो हमने ओपन किया, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके स्टेबलाइजेशन कैसे है वो आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आपको एक बात बता दूँ, आपको शायद कन्फ्यूजन हो कि आप अगर सिर्फ गिम्बल को ऑन करके ही फ़ोन को माउंट कर ले, बीच में रख दे, तो आपको ब्लूटूथ पेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐप उसकी अलग एक ऐप है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट कनेक्टिंग। और अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर ले फिर आपका गिम्बल ऑटोमेटिक बीच में आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन विदाउट ब्लूटूथ कनेक्शन के, ब्लूटूथ नहीं भी कनेक्ट किया, आप सिर्फ गिम्बल को ऑन कर लिए या फिर आप ऐप में नहीं गए और इसी तरह सादे फ़ोन की रिकॉर्डिंग शुरू करके बनाने लगे आप, तो उससे भी आपका वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छा होगा और वीडियो आपका बहुत ही सिंपल और अच्छा आएगा, ज़्यादा शेकी वगैरह नहीं होगा, वो गिम्बल उसी तरह काम करेगा।
तो अब हम जाते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहले यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और हम अभी चलकर इसका स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। ये मैं सिंपली चल रहा हूँ, हाथ मैं नहीं हिला रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप मेरा हाथ देखें तो ये मैं हिला रहा नहीं हूँ हाथ, और ये चल चल कर वीडियो इस तरह आ रहा है। और आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन ठीक नहीं है इस फ़ोन का। और हम अगर गिम्बल में जिस तरह रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग था। अब मैं थोड़ा चल स्पीड चल के दिखाता हूँ। तो मैं स्पीड चल रहा हूँ और आपको शायद मेरे पैर की आवाज़ भी मालूम पड़ रही होगी। मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। अब हम वहाँ जाते हैं कोने में, यहाँ पर हम आए और अब थोड़ा दौड़ कर वीडियो बनाते और देखते हैं वीडियो कैसा आता है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं, मेरे पैर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है। और अब हम ज़्यादा स्पीड दौड़ के देखते हैं और मुझको और आपको भी लग रहा हो कि वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है, ख़राब है बहुत। तो इस तरह का आपको स्टेबलाइजेशन देखने मिलता है फ्रंट कैमरे में। अब हम स्विच करेंगे। वैसे फ्रंट कैमरे में आपको स्टेबलाइजेशन बहुत सारे फ़ोन में 20-30 हज़ार के जो फ़ोन आते हैं उसमें अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए फ्रंट कैमरे में ऐसा स्टेबलाइजेशन था। लेकिन फिलहाल हम बैक कैमरे की तरफ स्विच करेंगे और उसमें देखेंगे स्टेबलाइजेशन गिम्बल के साथ फर्स्ट कैसा है, उसके बाद विदाउट गिम्बल कैसा है वो भी हम देखेंगे। तो मैं कैमरे को बंद करता हूँ और बैक कैमरा ओपन करता हूँ। अभी हम आ गए बैक कैमरे की तरफ। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा दर्द कर रहा है, आई एम सॉरी। और यहाँ बैक कैमरा है, मैंने अभी रिकॉर्डिंग को ऑन किया हुआ है। इसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं जॉयस्टिक से, और ये आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। अब हम चल कर टेस्ट करेंगे कि वीडियो किस तरह है। यहाँ मैं चल रहा हूँ, मैंने हाथ को सिंपल सादा पकड़ा हुआ है और सीधा मैं चल रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा वीडियो कैसा आ रहा है। अब हम थोड़ा स्पीड चल कर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ कैमरा आया और यहाँ पर थोड़ा स्पीड, आप मेरे पैर की आवाज़ सुन रहे होंगे, थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वीडियो इसका किस तरह है। और स्टेबलाइजेशन आप देखें तो इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा आ रहा है स्पीड चलकर। तो आप इसको ब्लॉग के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्पीड चलकर टेस्ट हो गया। अब हम दौड़ कर टेस्ट करेंगे, उसके बाद ज़्यादा स्पीड दौड़ कर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो ऑन है, यहाँ मैं दौड़ता हूँ, आप मेरे पैर की आवाज़ सुन रहे होंगे। और स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्प्रेस हुआ मैं इससे दौड़ कर हुआ। अब थोड़ा स्पीड और ज़्यादा स्पीड दौड़ कर हम देखेंगे कि इसका वीडियो किस तरह का है। तो यहाँ पर कैमरा को सेंटर में किया और यहाँ पर स्पीड दौड़ रहा हूँ, आप मेरे पैर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो इस तरह का इसका स्टेबलाइजेशन है। अब इसको बंद करके हम अपना जो वाइड एंगल लेंस है उसको ओपन करते हैं। वाइड एंगल में आपको ज़्यादा वीडियो पूरा कवर होकर और एंगल ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाइड एंगल में शूट हो रहा है और इसमें आपको ज़्यादा कवर करने के लिए मिलेगा एरिया पूरा। तो यहाँ वाइड एंगल में चल रहा हूँ और स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर मैं तेज़ चलूँ, आप मेरे पैर की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ दौड़ेंगे और फिर बीच में जाकर स्पीड दौड़ेंगे। यहाँ मैं दौड़ रहा हूँ और यहाँ रुका और यहाँ पर स्पीड दौड़ता हूँ। और यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा देखने के लिए मिला होगा, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने गिम्बल से देखा कि किस तरह का स्टेबलाइजेशन आता है बैक कैमरे से। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि बैक कैमरे से विदाउट गिम्बल किस तरह का स्टेबलाइजेशन आता है और कैसा वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैं बैक का कैमरा ओपन किया हुआ मैंने, अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल चल रहा हूँ, आप मेरे पैर की आवाज़ सुनकर पता लगाएं। और मैं दोनों हाथ से पकड़ लेता हूँ इसको, आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन तो इसमें प्रोवाइडेड है,
लेकिन गिम्बल के जैसा जो स्टेबलाइजेशन है वो इसमें नहीं मिलता है। यहाँ मैंने चला और यहाँ पर चलकर आपको दिखा रहा हूँ। अब थोड़े स्पीड चलते हैं, आप मेरे पैर की आवाज़ सुनते रहें। आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है फ़ोन को अगर आप विदाउट गिम्बल यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको स्टेबलाइजेशन अच्छा मिल सके। यहाँ पर मैं स्पीड चल रहा हूँ। अब हम पिछली बार की तरह दौड़ेंगे, फिर स्पीड दौड़ कर देखेंगे। यहाँ पर मैं अपने पैर से आवाज़ कर रहा हूँ, आप उसको सुन सकते हैं। और अब स्पीड दौड़ कर देखेंगे, आप मेरे पैर की आवाज़ सुनते रहें। वैसे मैं अगर बात करूँ तो इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, और पोको X2 का जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो OM iStudy X का जो गिम्बल है उससे आपको स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल की देखने की मिलती है, और स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा आता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय एन गिम्बल यू कैन गो फॉर इट। OM iStudy X इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट व्लॉगिंग और समथिंग, तो आपको ज़रूर वो लेना चाहिए। मैंने आपको अभी पूरा वीडियो करके दिखाया कि विदाउट गिम्बल और गिम्बल के साथ आपको किस तरह का शॉर्ट्स देखने के लिए मिलता है, वीडियो स्टेबलाइजेशन कैसी है। तो इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।